मौसम एंजॉय करो तुम बाहर बैठ के। कल पेपर है तुम्हारा, पढ़ क्यों नहीं रही हो? एमी, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी तैयारी पूरी है। मिठू, देखते हैं ना यार, हवा तो वाकई में बहुत प्यारी है ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अम्मी बता रही थी कि तुम हमेशा के लिए कराची जा रही हो। हमेशा के लिए? पागल हो गई हो तुम? सखर छोड़ के कौन कराची जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। इतना प्यारा शहर, यहाँ की तो धूप भी इतनी अच्छी लगती है, फिर ये रात, रात में चलती हुई सर्द हवा, चांद। क्या कराची का चांद बहुत बड़ा होता है? जो चांद यहाँ है वही चांद वहां भी होगा। समझ नहीं, दरख्त को देखो कितना बड़ा हो गया है, 2 साल पहले कितना छोटा था ये। 2 साल में ये दरख्त तो बड़ा हो गया, लेकिन अब्बा अब तक लौट कर नहीं आया। पता है मुझे अभी इस घर से उनकी खुशबू आती है। एमी, आज ताया शौकत आए थे घर में, बहुत ही अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये घर भी उनके सपुर्द होने वाले हैं बहुत जल्द। बल्कि वो तो कह रहे थे कि ये घर उनके हाथ बेच दिया जाए। और फिर क्या क्या बकवास करके गए अब वो? और फिर यही के तुम्हारा खलील का इस जुम्मे को निकाह कर दिया जाए। अम्मी, इसी बात पर बहुत अफसोसता है एमी। और मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि हम 20 लाख का कर्जा किस तरह से देंगे। हम अभी अपने बिस्तर पे चले जाइए, लगता है गहरी नींद सो गई। किस अजाब में मुब्तला कर दिया तुमने मुझे फरीद? मैं आपके ख्याल से अजाब आप ही झेलिए। सर बाहर निकल के देखें, जालिम समाज दुनिया का सामना करें, फिर आपको पता चलेगा कि 10 घंटे में किस अजाब में गुजार कर आता हूँ। अरे किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? 2 साल में तुम थक गए? अपने बाप को नहीं देखा? 16 साल की उम्र से लेके अब तक काम कर रहे हैं सबके लिए। ये उनकी अपनी चॉइस थी अम्मा। आस्था बोल, दादी सो रही तुम्हारी। बताओ मुझे एडवांस का क्या हुआ? क्या ऑफिस नहीं आए थे तुम्हारे बॉस? आए थे। फिर है यही कि एडवांस भी मिलने वाला था। फिर हाँ तो फिर सुने, आपके शोहर मेरे बाप मोइनुद्दीन साहब का जो ईमानदारी का पढ़ाया हुआ सबक है ना, वो हमें ले डूबा। एक मजलूम के हक में हिमायत क्या कर दी मैंने, आवाज क्या उठाई? रिजवी साहब ने मुझे एडवांस तो छोड़े, नौकरी से ही निकाल दिया। या तो मैं उनको सॉरी का लेटर लिख कर भेजूं, या तो फिर मैं कल ऑफिस ही ना आऊं। फरीद, फरीद, फरीद।